आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का क्विज है, जिसको आप 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार यानी कि आज के दिन में 9:59 तक यानी कि 10:01 कम तक खेल सकते हैं। सोनीले वेब को खोल लीजिए। KBC की तैयारी के लिए है आपका IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज, जिससे आपकी GK अच्छी होगी और साथ ही आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही हो या GK की तैयारी चल रही हो उससे आपकी इसमें हेल्प होगी। बाकी और भी चैनल पर आपको क्विज से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। और अमेजोन को इसके वीडियो खेल के आप कई सारे प्राइज जीत सकते हैं, जिसमें कैश प्राइज और प्रोडक्ट भी होते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पर क्लिक करते हैं और क्विज स्टार्ट हो गया। ये पूछ रहे हैं कि फीफी द्वीप कहाँ पर मिलेंगे, किस देश में? तो ये थाईलैंड में पाए जाते हैं। थाईलैंड में वो है एक फुकेट के द्वीप है, फुकेट के बड़े द्वीप द्वीप जो होते हैं ना, वो फुकेट के बड़े द्वीप हैं और मलक्का तट है वो पाए जाते हैं, उसके बीच में ये है। सही जवाब, 100 पॉइंट्स मिल गए। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम के लार्ज आइसलैंड ऑफ केट एंड द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का कोस्ट ऑफ थाईलैंड। IDFC फर्स्ट बैंक वाले ही क्विज करवाते हैं। इनका प्रश्न आ गया, बैंक से जुड़ा हुआ है। LTV, तो LTV होता है लोन टू वैल्यू, कार की बात हो रही है यहाँ पर, कार के एवज में तो 200% मिलता है। पहला 50, दूसरा 100, तीसरा 120, चौथा 200। और LAP होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो लगभग 60-70% मिलता है, यानी कि 100 रुपये के बदले में आपको 60-70 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये की प्रॉपर्टी है तो 60 रुपये। इस तरीके से श्रीलंका का मूल नाम, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। आज दशहरा है, आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई सपरिवार। हनुमान जी ने लंका जलाई थी रावण की, और लंका का प्रश्न है, पहले जो है इसे सीलोन नाम से जाना जाता था। ये बात है जब अंग्रेजों का शासन था इस पर 1815 से 1972 तक जब ब्रिटिश रूल था, उस समय इसका नाम सीलोन था। और ये जो है श्रीलंका उत्तरी हिंद महासागर में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इंडियन ओशियन, एक जो है द्वीप देश है ये। फिल्म डिवीजन 2 से 6 अक्टूबर 2019 गांधी जी, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और फिल्म डिवीज़न और इंडियन टूरिज्म के एसोसिएशन में हुआ था, यानी कि फिल्म डिवीज़न और इंडियन एसोसिएशन इंडियन टूरिज्म, फिल्म डिवीज़न और इंडियन टूरिज्म ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्मदिन की वर्षगांठ थी, बर्थ एनिवर्सरी 150वीं, तो उस पर हुआ था, जिसका जिस पे फोकस था ना मेन, जो इसका वो था स्वच्छ भारत और अहिंसा, यानी कि स्वच्छ भारत एंड नॉन वायलेंस। ये सब याद करिएगा अच्छे से, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है GK। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर 2023 आधिकारिक विषय तो ये है नवीन वर्ष नवीन संकल्प, नया वर्ष नए संकल्प। बाकी सब भी अलग अलग हैं, थीम पर ये यहाँ की बात हो रही थी कैलेंडर की, तो वो ये थी नवीन वर्ष नवीन संकल्प, नया वर्ष नए संकल्प। तो ये थी बात 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। इसको खेल के आप 500 पॉइंट जीत सकते हैं। और ये जो है मैं डिटेल में आपकी GK की तैयारी के लिए बनाता हूँ, आंसर देने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, उससे जो है आपको आंसर भी मालूम चल जाते हैं, आपकी GK भी अच्छी हो जाती है। मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी जाएँ अपनी मेहनत से जीतें, और अपनी मेहनत से जीत का मजा ही कुछ और होता है, तो इसलिए जो मैं आपकी GK की अच्छी तैयारी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो बाकी और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, देख लीजिए। और अपना अपनों का ध्यान रखिए, KBC की तैयारी कर रहे हैं तो फ़ोन का रखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ KBC उत्सव के नाम का, जिसको खेल के आप अपने डायरेक्ट घर की बेड सीट से सीधा जो है हॉट सीट तक जा सकते हैं। वो एक प्रोसेस है, उसमें डायरेक्ट जो है आपको चांस मिलेगा, और ये उत्सव है दिवाली का, तो उसके उपलक्ष्य में ही ये क्विज आया है। वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा,
उसके लिए पहले जो है आपका ऑनलाइन जीके टेस्ट होगा, सेलेक्ट होते हैं तो फिर मुंबई में पहले ट्रिपल एफ और फिर हॉट सीट इस तरीके से। तो ये समझ लीजिए अभी लास्ट चांस है इस नए क्विज़ में, हो सकता है दिवाली के आसपास कुछ और आए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नया आया है तो इसको जो है ग्रैब करने का कोशिश करिए। यदि आपको लगता है कि मेरी जीके बहुत अच्छी है, मैं जो है वहाँ जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, इसको जो है KBC की तरफ से नवरात्रि गिफ्ट समझ लीजिए। तो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और अपनी जीके की अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। और बाकी मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा, आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑल द फ्रेंड्स एंड जूनियर्स।